हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बैन कर दिया है। तो रीजन क्या है बैन के पीछे, तो क्या कुछ चल रहा है अभी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में, एंड क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि 2024 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्या श्रीलंका क्रिकेट टीम खेलेंगे या फिर नहीं, क्या हो सकता है श्रीलंका क्रिकेट की फ्यूचर। आज के वीडियो में हम शॉर्टली जानेंगे श्रीलंका क्रिकेट की फ्यूचर के बारे में, एंड बैन क्यों लगा है आईसीसी। किसी कंट्री को ना क्यों बैन करता है आईसीसी? देखो, प्रीवियसली एक डेकेड्स में दो कंट्रीज को बैन किया है, जिम्बाब्वे को उन्होंने बैन किया था, नाउ श्रीलंका। बट आईसीसी बैन पहले क्यों करते हैं, आपको ये पहले जानना होगा। फर्स्ट रीजन देखो, हर एक बोर्ड में ही ऐसा है कि जब गवर्नमेंट जो बोर्ड है बोर्ड में इंटरफेरेंस करने लगता है, जब पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा हो जाता है, करप्शन ज्यादा हो जाता है, इस सिचुएशन में ना किसी भी बोर्ड वो इस बोर्ड को पर्टिकुलर बोर्ड को बैन कर देता है। जैसा हमने हमारे टाइम में भी देखा है, इंडिया में फीफा ने इंडिया को बैन कर दिया था बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन की वजह से। एंड ऐसा ही कुछ हुआ है श्रीलंका के साथ भी। श्रीलंका को अगर देखोगे ना, तो पहले उनकी जो रग्बी बोर्ड है, रग्बी बोर्ड को बैन कर दिया था, इसके बाद फुटबॉल बोर्ड को भी बैन कर दिया था फीफा ने, नाउ आईसीसी ने क्रिकेट को भी बैन कर दिया है श्रीलंका में। एंड इसके इम्पैक्ट ना बहुत ही ज़्यादा होगा उनकी स्पोर्टिंग की जो इतिहास है, हिस्ट्री है, जो अपनी आने वाली जनरेशन देखेंगे ना, एंड ऑल्सो उनकी जो कल्चर है, उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इस बैन से। नॉट ओनली एक सिंगल स्पोर्ट, एवरी स्पोर्ट्स में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकेंड सिनेरियो हमने देखा है, जब कोई बोर्ड कलर से डिस्क्रिमिनेशन करता है तो बैन करते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में हमने देखा था। तो ये दो तीन कारणों से आईसीसी अभी तक बैन किया है गाइस। ओके, अगर हम बात करें मेरे ओपिनियन की, देखो ऐसा तो नहीं है कि हर एक बोर्ड में पॉलिटिक्स ना होता हो। हम इंडियन बोर्ड को अगर देखोगे, बीसीसीआई को देखोगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखोगे ना, आप जितना डीप जाओगे, डीप मैं ऊपर ऊपर से बात नहीं बोल रहा हूँ, डीप जाओगे ना तो हर एक बोर्ड में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलता है। बट ऑल्सो अगर देखोगे, कंट्री में अगर तीन तीन स्पोर्ट्स में सेम ईयर ही, सेम एक दो ईयर में ही बैन लग गया ना, तो आपकी जो स्पोर्टिंग कल्चर है बहुत ही खराब है, बहुत ही बुरे वक्त पर चल रहा है, उसके ऊपर काम जरूर करना चाहिए। अगर एक स्पोर्ट होता तो मैं मान भी लेता, तीन तीन स्पोर्ट, चार चार स्पोर्ट में बैन लग चुका है, तो आप समझ चुके होंगे। देखो श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड जो है, वो 2015 की बात से जब उनकी जो बेस्ट प्लेयर्स है रिटायरमेंट लेने लगा था ना, तब उनकी क्रिकेट टीम भी डाउन में जा रहा था, उनके जो क्रिकेटर्स है, उनके क्रिकेट फैंस भी ना बहुत ही नीचे तक जा रहा था। बट लेट 2021 में ना श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में हमें वो दोबारा से पैशन हमें देखने को मिला, वो टीम दोबारा से ऊपर जाने लगा था। एंड 2022 की जो एशिया कप था, इसको भी श्रीलंका क्रिकेट टीम ने जीता था, एंड दिस इज अ रियली ग्रेट माइलस्टोन। एक टीम जो बहुत ही खराब था, अंडरडॉग था, अचानक से चैंपियन बन गया था एशिया की। एंड इससे हमें लगा था कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड बहुत ही अच्छा करेंगे फ्यूचर में। एंड देखो, एज ए हम एक स्पोर्ट फैन, एज ए क्रिकेट फैन, हम एक और जो फुल मेंबर कंट्रीज है उसको खोना तो नहीं चाहते, क्योंकि आज के दिन टोटल 12 ही ऐसे नेशन है जो फुल मेंबर की लिस्ट में, अगर एक और चला गया तो एक 11 ही हो जाएगा। तो ये बहुत ही खराब है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे बैन हट जाएगा, क्योंकि आने वाले इवेंट्स हैं इससे पहले, तो ये बैन जरूर हट जाएगा मुझे जितना लगता है। तो देखिए, इस साल की अगर बात करें चैंपियंस ट्रॉफी, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी श्रीलंका टीम क्वालिफाई ना करे। ऑल्सो इस साल की जो वर्ल्ड कप था 2023 की, इसमें भी देखो श्रीलंका ने ओनली इंग्लैंड एंड नेदरलैंड्स के खिलाफ ही जीता है, एंड बाकी ऑल मैच हारा है। एंड नाउ ये बैन अगर ज़्यादा दिन तक रहेगा तो ना गाइस श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट कर सकते हैं। तो मेरे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन बैन रहेंगे, मुझे लगता है गाइस 2024 से पहले ही बैन हट जाएगा मुझे जितना लगता है। बट अगर मान के चलते अगर बैन ना हटा, तो फर्स्ट उनको क्रॉस कर सकते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप को क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि 13 जनवरी से ही ना गाइस 2024 से अंडर 19 वर्ल्ड कप है, एंड ये होस्ट करेंगे श्रीलंका। तो पहले देखो होस्ट चला जाएगा, एज ए पार्टिसिपेशन वो भी चला जाएगा। अगर हम मानते हैं कि बैन ना हटा, तो कौन सी टीम क्वालिफाई कर सकते हैं? तो मुझे जितना लगता है ना गाइस, देखो फर्स्ट ऐसा हो सकता है कि ओलंपिक के जैसा हो सकता है, पहले मतलब ओलंपिक में जैसे रशिया को बैन किया था ना, तो रशिया जैसे अलग नाम से खेला, ऐसा हो सकता है श्रीलंका क्रिकेट में कि श्रीलंका अलग नाम को यूज करके खेले अगर आईसीसी अलाउ करे। एंड दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि एक और क्वालिफायर हमें देखने को मिले, आई मीन अफ्रीका से एक टीम, अमेरिका से एक टीम, एशिया से एक टीम, पैसिफिक से एक टीम, एंड यूरोप से एक टीम, टोटली पांचों नेशन में से एक एक टीम आकर ना एक क्वालिफायर्स खेलेंगे, इसके बाद एक टीम क्वालिफाई होंगे अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए। देखो अफ्रीका में जैसे नामीबिया ने क्वालिफाई किया था, तो अफ्रीका में केनिया ऐसा टीम बचता जो सेकेंड पोजिशन में फिनिश किया था पॉइंट्स टेबल में, अमेरिका से
यूएसए ने क्वालिफाई किया था एंड कनाडा ने सेकंड पोजीशन फिनिश किया था, कनाडा आ सकते हैं। एशिया से नेपाल ने क्वालिफाई किया था एंड यूएई ने सेकंड पोजीशन फिनिश किया था। पैसिफिक से न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई किया था एंड जापान सेकंड पोजीशन में था। एंड यूरोप की बात करें तो यूरोप से स्कॉटलैंड ने फिनिश किया था, मतलब क्वालिफाई किया था एंड गुरने से जो था वो रनर्स अप था। तो ये पांचों टीम आ सकते हैं, क्वालिफायर्स खेल सकते हैं, देन एक टीम क्वालिफाई हो सकता है। अगर देखो बैन लॉन्ग लास्टिंग रहा, मतलब बहुत दिनों तक रहा बैन, आईसीसी की बैन ना बहुत दिनों तक रहा, तो ऑल्सो उनके कॉज कर सकते हैं 2024 की T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो 4 जून से स्टार्ट होगा। क्या पॉसिबिलिटीज बन सकता है अगर श्रीलंका ना खेले, श्रीलंका अगर 2024 की वर्ल्ड कप को भी ना खेले तो क्या पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं? तो मेरे हिसाब से 3 पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। फर्स्ट देखो, एशिया से जैसे एक टीम अगर चला गया ना, मतलब श्रीलंका अगर चला गया तो एशिया से एक और टीम आ सकते हैं, मतलब एशिया से एक और टीम रिप्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो एशिया क्वालिफायर्स हुआ था। आई मीन यूएई एंड बहरीन, उनके बीच में एक मैच हो सकता है, जो जीता वो श्रीलंका को रिप्लेस करेंगे। फर्स्ट सिनेरियो तो ऐसा हो सकता है। सेकेंड सिनेरियो की बात करें, जो मैंने पहले भी बताया, ओलंपिक के जैसे हो सकते हैं नाम चेंज कर कर, जैसे रशिया ने खेला था ऐसा हो सकता है। एंड थर्ड पॉसिबिलिटीज क्वालिफायर्स, अगर क्वालिफायर्स होंगे ना गाइस तो क्या हो सकते हैं? देखो ईस्ट एशिया पैसिफिक से एक टीम आएंगे, जैसे ईस्ट एशिया पैसिफिक से पीएनजी ने क्वालिफाई किया था तो जापान आएंगे क्योंकि जापान ने सेकंड पोजीशन फिनिश किया था। अमेरिका क्वालिफायर से देखो, जैसे कनाडा क्वालिफाई किया था तो बारमूडा ने सेकंड पोजीशन फिनिश किया था तो बारमूडा आएंगे। एशिया से देखो, मुझे लगता है यूएई आएंगे क्योंकि यूएई थर्ड पोजीशन फिनिश किया था। एंड यूरोप से आ सकते हैं इटली, क्योंकि इटली यूरोप की रीजन से स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड ने क्वालिफाई किया था एंड इटली ने थर्ड पोजीशन फिनिश किया था। एंड अफ्रीका से एक टीम आ सकते हैं, एंड टोटल 5 टीमों के अंदर ना गाइस एक क्वालिफायर्स हो सकते हैं। तो चांसेस की बात करें क्या हो सकते हैं, तो मुझे लगता है 99% चांस है कि श्रीलंका के ऊपर से बैन हट जाएगा एंड 1% ही चांस है कि ये कुछ सिनेरियो हो सकता है। एंड देखो मैं अगेन बोलता हूँ, जितना स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होंगे, पॉलिटिकल चीज़ें होंगे ना, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी होंगे, तो वो स्पोर्ट्स के लिए इतना अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट इनडायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं अपनी टीम्स को, जैसे हमारी अदर भी आप देखोगे एग्जांपल, जैसे मैं दूँ, हमारी उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है वो स्पोर्ट्स को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है वो स्पोर्ट्स में इंटरफेरेंस भी कर रहे हैं बट पॉजिटिवली, उसका जो इम्पैक्ट है ना वो दिख रहा है हमको। वो रग्बी टीम को, हॉकी टीम को, अदर अदर स्पोर्ट्स टीम को फंड प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए स्पॉन्सर, उड़ीसा गवर्नमेंट हेल्प कर रहे हैं। ऐसे तरह से हो सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली इंटरफेरेंस करोगे तो बहुत ही मतलब खराब है स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा, फेवरेटिज्म बढ़ेगा, बोर्ड में जो प्लेयर्स को ज्यादा मनी नहीं मिलेगा तो प्लेयर्स सेम सिचुएशन हो जाएगा वेस्ट इंडीज की तरह, जैसे आज के दिन वेस्ट इंडीज की हालत है ना, सेम सिचुएशन हो जाएगा एंड क्वालिफाई भी नहीं करेगा इवेंट्स नेक्स्ट ट्रॉफीज के लिए। मैं रियली होप करूंगा कुछ अच्छे हो एंड अच्छे न्यूज हमें आने वाले टाइम्स में मिले। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अपना ओपिनियन जरूर रखना। तो मिलते हैं फ्यूचर के एक और वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे गाइस, थैंक यू।